बच्चों इस क्लास में हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे याद करेंगे, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चीज़ें बताएंगे। पहला स्टेप है कार्बन परमाणुओं की संख्या गणना कीजिए। C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। दूसरा स्टेप है क्रियात्मक समूह की पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है उपसर्ग या अनुलग्न। अनुलग्न का अर्थ होता है हिंदी में प्रत्यय द्वारा दर्शाइए। पूर्व लग्न उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगता है, और अनुलग्न मतलब जो पीछे लगता है। फिर दूसरा, IUPAC पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्न प्रकार से होते हैं। दो प्रकार, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसमें जो बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के मध्य, वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन इसमें एल्केन में ई को हटाकर इस अनुलग्न मतलब प्रत्यय एन लगाया जाता है। पहले सी बराबर एक रखते हैं, सी बराबर इसी सूत्र पे जो सामान्य सूत्र है, सी बराबर इसी में एक रखन H2 × 1+2। तो C1H दो इकनम दो, दो दूना चार, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं CH4। अब इसी का IUPAC नाम लिखना है। C1 ग्रीक संख्या में क्या होता है, मेथ। मेथ में क्या लगा दें, ANE लगा दें, मेथेन। हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसी तरीके से C बराबर दो रख दें, C बराबर दो हो जाएगा C2H2×2+2। तो C2H2×4+4=6। इसका IUPAC नाम C2 है, तो C2 कार्बन परमाणुओं की संख्या C2 है, और ग्रीक संख्या में क्या है, एथ है, तो हो जाएगा एथ। और इसका अनुलग्न लगा दो क्या, एन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसी प्रकार से फिर 3 रख देना, 4, 5, 6, 7 IUPAC नाम निकलता चला आएगा। इनको कहा जाता है ओलिफिन, और एल्काइन को कहा जाता है एसिटिलीन। कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगता है। डबल बॉन्ड लगा हो वो एल्कीन होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा वो एल्काइन रहेगा। पहली हेडिंग है एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन समूह में एन हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है, ईन जोड़ दिया जाता है, एन जाता है, ठीक है। और इसका IUPAC नाम भी क्या है, एल्कीन। C1H2×1, तो CH2 ना, इसमें C1 है, तो C1 का मतलब क्या होगा, मेथ। मेथेन में, मेथेन में एन को हटाओ और क्या लगा दो, ईन लगा दो, तो MethEne क्या बन गया, मेथीन बन गया। सी बराबर एक और देख लेते हैं, सी बराबर दो रखेंगे तो इसी सामान्य सूत्र में C2H2×2, तो क्या होगा, C2H4। C2H4 का मतलब, C2 का मतलब है एथेन में एन को हटाओ और ईन लगा दो, IUPAC नाम बस, ठीक है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगेगा।
सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन हटाकर एन को हटाकर आयन लगाया जाता है YnE, तो ये बनता है एल्काइन। ठीक है, पर इसी सामान्य सूत्र में C बराबर एक बार एक रखो, तो C बराबर जब एक रखेंगे तो C1H2 × 1-2, तो C1H2 में से 2 जाएगा तो एक गलत हो जाएगा ना। C1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2-2, तो CH0, ऐसा असंभव है। तो पहले क्या रख दो, C2H2 × 2-2, तो C2H4-2, तो C2H2, यहाँ से स्टार्ट होगा कौन, एल्काइन। ठीक है, अब इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, C2 का मतलब एथेन पूरा लिख लो। ठीक है, एथेन में एन को हटाओ और इसमें क्या लगा दो, आयन लगा दो, तो ETHYNE, ये इसका IUPAC नाम हो गया। बराबर 3 रखते हैं इसी सामान्य सूत्र में, C बराबर 3 रखेंगे तो C3H2 × 3-2, तो C3H6-2, तो C3H4। 3 का मतलब होता है प्रोपेन में एन को हटाओ और आयन लगा दो। अभी तक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो एक्स से लिखा जाता है, हेलो समूह के अंतर्गत क्लोरो ब्रोमो आइडो होता है, मतलब इसे इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I होता है। एल्कोहल समूह में सिंगल बॉन्ड OH लगा रहेगा, एलिडहाइड समूह में सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H रहेगा, कीटोन में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH इसमें लगा रहेगा। इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें OH रहेगा, इसमें OH नहीं रहेगा बस। ईथर में क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब O से बीच में O लगा रहा। पहला पॉइंट है हेलो समूह, एक्स से लिखा जाता है, इसमें Br, Cl और I होता है। एल्केन समूह का तो पूरा वही एल्केन समूह ही लिखेंगे, केवल और केवल जिसमें ये जो क्रियात्मक समूह Br, Cl और I है, सामान्य में तो क्लोराइड लिखा रहेगा, लेकिन इसको जो है जब IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, इसे ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमो लिख देंगे। ठीक है, ये पूर्व लग्न में आते हैं, मतलब आगे चले आएंगे। उसके बाद Cl है तो क्लोराइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, और I है तो आयोडाइड रहेगा तो आइडो हो जाएगा आगे बस। ठीक है, CH3Cl, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो C सिंगल है मतलब मेथ रहेगा ना, इसका जो सामान्य नाम रहता है वो होगा मिथिल, Cl है तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड है तो क्या होगा, क्लोरो, क्लोराइड है तो क्लोरो, उसके बाद मेथिल है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। केवल क्लोराइड का क्लोरो लिख देना है और जो एल्केन समूह है उसको पूरी तरीके से लिख देना है बस। ठीक है, और जैसे दूसरा है CH3CH2Br,
CH3CH2Br, इसका साधारण नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसका साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड का जो IUPAC नाम होगा वो होगा, ब्रोमाइड का ब्रोमो हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे कार्बन कितना है, दो है, कार्बन दो मतलब एथेन, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा बस। एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह का जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। पहचान, एल्केन में ई को रिमूव करेंगे और इसमें OL लगा देंगे तो क्या बनेगा, एल्केनॉल। मतलब कि एल्कोहल समूह का IUPAC नाम अगर पूछे तो एल्कोहल समूह का IUPAC नाम होता है एल्केनॉल। देखा जाए मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, यह हो जाएगा मेथेन में ई को हटाना है, ई को हटा दें तो मेथेन पूरा लिख लें, इसमें ई को हटाकर क्या करें, OL लगा दें बस, OL मेथेनॉल हो गया। ठीक है, क्या है CH3CH2OH, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। इसका सामान्य सूत्र होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है तो हो जाएगा एथेन। एथेन में ई को हटाएंगे, एथेन में से ई को हटाएंगे, ई को हटाकर इसमें OL लगा देंगे बस, एथेनॉल बस। एलिडहाइड है, एलिडहाइड के IUPAC निकालने का तरीका क्या है, एलिडहाइड का पहली बात तो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO या फिर होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, या फिर इस तरीके से दिया रहता है सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। अब इसका जो है IUPAC नाम लिखना, एल्केन में ई को रिमूव करो, एल्केन में ई को रिमूव करो और AL लगा दो इसमें तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। एलिडहाइड का IUPAC नाम क्या है, एल्केनॉल। CHCHO, ये पिछली बार पूछा गया था कि HCHO का IUPAC नाम बताओ, तो पहली बात तो इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी पूछ सकता है, सामान्य नाम भी दे देता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना कार्बन है, कार्बन एक है मतलब मेथेन होगा, मेथेन में ई को हटाएंगे, मेथेन में ई को हटा दो और इसमें AL लगा दो बस, क्या बन गया, मेथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम, इसमें देखेंगे कार्बन कितना है, कार्बन इसमें दो है मतलब ये होगा क्या, एथेन। एथेन में ई को हटाएंगे और इसमें AL लगा देंगे बस, एथेन में ई को हटाकर इसमें AL लगा देंगे, बनेगा क्या, एथेनॉल। कीटोन में एल्केन जो होता है, एल्केन समूह में ई को रिमूव करेंगे और कीटोन में ई को रिमूव, NE बस, क्या बनेगा,
एल के नोन, क्या बन जाएगा? एल के नोन। अगर पूछेगा कीटोन का आईयूपीएसी नाम तो क्या होता है? एल के नोन होता है। साधारण नाम है, साधारण नाम है एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन इसका साधारण नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे निकालेंगे? देखेंगे इसमें कार्बन कितना है, तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन का मतलब प्रोपेन, एल्केन समूह क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन में ई को हटाएंगे, ई को हटा दिए और इसमें क्या लगा दें? ओन लगा दें, ओ एन ई, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। दूसरा एग्जांपल है सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री, इसका आईयूपीएसी नाम निकालेंगे। पहले देख लो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है मतलब एक क्या होगा? ब्यूट, मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन में ई को हटाएंगे और क्या लगा दें? ओ एन ई लगा दें, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ब्यूटेन में ई को हटाएंगे ओ एन ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। बस इसका आईयूपीएसी नाम निकल गया। अगला समूह है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में, कार्बोक्सिलिक समूह का पहचानने का तरीका क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, ये रहे। एल्केन में ई को हटाएंगे, एल्केन में ई को हटाएंगे और इसमें ओइक एसिड, इसमें ओइक एसिड लगा देंगे, ई एच, एच सी डबल ओ एच, मतलब इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। एक चीज और पहचानने का, इसमें अम्ल लगा रहेगा, पहचान सकते हैं इसमें अम्ल लगा रहेगा, एसिड लगा होगा कि पहचान लेंगे ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये इसका साधारण नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल का जो है आईयूपीएसी नाम लिखना है तो इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या एक है, मतलब मेथेन, मेथेन है। मेथेन में इसमें ई को हटाएंगे, ई को हटाएंगे और इसमें ओइक एसिड लगा देंगे, बस ओइक एसिड लगा देंगे, बस क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड, ओ एच। दूसरा एग्जांपल सी एच थ्री सी डबल ओ एच है, इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखना हो, यह भी पिछली बार आया था बोर्ड एग्जाम में, पिछली एक दो कार्बन मतलब एथेन, एथेन होगा, एथेन में ई को हटाएंगे, एथेन में ई को हटाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे? ओ आई सी, ओइक और एसिड लिख देंगे, बस एथेनोइक एसिड हो जाएगा। देखो ईथर समूह को क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, इसका जो है इसे पढ़ते हैं ऑक्सी, मतलब आईयूपीएसी पद्धति में इसका जो है नाम एल्काक्सी एल्केन होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, पहचान लेंगे कि ये ईथर समूह है, बाकी अगर साधारण नाम में पूछा जाएगा तो इसमें ईथर लगा होगा, ठीक है। तो इसे जो है साधारण नाम इसका डाई मेथिल ईथर होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पूछा बहुत कम जाता है, एक आध दो एग्जांपल हैं, देख लो बोर्ड के लिए बस इतना ही काफी है। सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री, इसका साधारण नाम होता है मेथिल एथिल ईथर, इसका साधारण नाम क्या होता है? मेथिल एथिल ईथर। इसका जो है आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो मेथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सी इसमें लगा हुआ है, मेथॉक्सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन।